वार्ड 25 में बीजेपी पार्षद प्रत्याशी योगेश्वरी राठौर ने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। वार्ड नंबर 25 में बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी बहन योगेश्वरी राठौर ने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर आम सभा का भी आयोजन रखा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वार्ड के रहवासी मौजूद रहे। इस अवसर पर बहन योगेश्वरी राठौर ने वार्ड के वरिष्ठों का सम्मान किया, साथ ही बूथ अध्यक्षों का भी सम्मान किया गया। आम सभा के इस अवसर पर पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने वार्ड नंबर 25 में योगेश्वरी राठौर द्वारा अपने पूर्व कार्यकाल में किए गए कार्य के बारे में रहवासियों को जानकारी दी, जिससे रहवासी काफी खुश नजर आए। आम सभा के बाद क्षेत्र में जनसंपर्क भी किया गया। इस अवसर पर बहन योगेश्वरी राठौर व अनिल जैन कालू हेड़ा ने चैनल को कार्यक्रम की जानकारी दी और चुनाव में पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनाने की बात कही। इस मौके पर पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, बीजेपी के चुनाव प्रभारी अनिल जैन, कालू हेड़ा, येंद्र राठौर, विशाल राजौरिया, धनंजय शर्मा व बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व वार्ड रहवासी मौजूद रहे। डॉक्टर योगेश्वरी राठौर जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर योगेश्वरी राठौर एक शिक्षित, योग्य, सुशील और आम जन और माता बहनों की सेवा करने वाली ऐसी हमारी नेता, और जिन्होंने लगातार 2010 से लेकर अभी तक लगातार काम करते करते और इस जनता के बीच में स्थान बनाने में कामयाब हुई है। और बहन के साथ साथ हमारे उज्जैन के सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी बहुत अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, विजय की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा महापौर का प्रत्याशी भी भारी मतों से विजय। उज्जैन नगर निगम के चुनाव और पार्षद पद के चुनाव होने के कारण वार्ड क्रमांक 25 मनोदक मंडल में आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। साथ ही हमारे सब वरिष्ठ जन भी हैं और सारी जनता का इसमें सहभागी भी है। और आज कार्यालय का वार्ड क्रमांक 25 की जनता सैकड़ों की संख्या में आई हुई है और सभी का आशीर्वाद भी मिल रहा है, वरिष्ठ जनों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। और ओपनिंग के बाद अब रैली का भी प्रारंभ होगा। और फिलहाल इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।